उस दांव पर सरकार उस समय बहुत मंत्री आए और विधायक भी आए जिन्होंने अच्छे अच्छे दावे करके गए। यहाँ कमल कुमार जैसे शहीद ने जन्म लिया, जिसमें फ्री में सेवा करना चाहता हूँ गांव की और साथ आस पास के गांव की, ताकि शहादत के समय कही गई थी क्या वो बातें आज धरातल पर है या नहीं। हम बड़ी तकलीफ होती है हमारे को कि विधायक जी ने, MP साहब ने और बाहर के जो विधायक और भी आए थे मिलने के लिए, तो सभी ने ये वादा किया था, उन्हें भी आए थे, बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, मना किया नहीं है लेकिन मिला भी नहीं है। इससे हौसला पुनः जागृत किया और आपने इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। ऐसे ग्राउंड के लिए और स्कूल के लिए मेरे को कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं गया बार बार। उसके साथ साथ जो स्कूल का नामकरण भी चेंज करने की बातें हुई थी, कि एक बेटा था वो देश की सेवा करते करते चला गया। पार्क बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, तो उसको लेकर एक साल के दौरान कोई लेटरबाजी या फिर ऐसा कुछ आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ सरकार की तरफ से, या फिर आपको कभी बुलाया गया है सावा के उस पावन धरती पर जहाँ कमल कुमार जैसे शहीद ने जन्म लिया और आज उसके शहादत को एक साल हो चुका है। एक साल शहादत के बीच जाने के बाद कुछ समस्याएं जो है गांव के सामने खड़ी है, कुछ समस्याएं उनके परिवार के सामने खड़ी है। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद रहेंगे, उनकी बहन मौजूद रहेगी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे भी एक साल बीत जाने के बाद आखिर कमल को जिस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए था या कमल को लेकर जिस प्रकार की बातें शहादत के समय कही गई थी, क्या वो बातें आज धरातल पर है या नहीं है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने हौसला खड़ा किया अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद, जिस प्रकार से हम उस समय भी आए थे, बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे आपके बेटे के शहीद होने के बाद, अब उन दावों पर कितना सरकार और प्रशासन खरा उतर पाया है? उस दावों पर सरकार उस समय बहुत मंत्री आए और विधायक भी आए जिन्होंने अच्छे अच्छे दावे करके गए, लेकिन किसी ने कहने के बावजूद कोई काम ऐसा नहीं किया। स्मारक के लिए 4 बीघा जमीन की कही गई, जिसमें से 500 वर्ग मीटर जमीन ही मिली और आज तक वो स्मारक भी तैयार नहीं करवा पाए। और साथ में हमारे को विधायक जी ने भी कहा, MP साहब ने भी कहा कि एक एथलेटिक्स ग्राउंड मिले जिससे हमें जनता की सेवा कर सकूं, जिसमें सेना के लिए भी तैयार हो सकते हैं और पुलिस के लिए भी, और एथलेटिक्स जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी तैयार हो सकते हैं, जिससे मैं फ्री में सेवा करना चाहता हूँ गाँव की और साथ आस पास के गाँव की, ताकि एक सावा का एक खेल स्तर की बढ़ावा मिले। लेकिन अभी तक कोई ट्रैक भी नहीं मिला है, इन्हें किसी ने मना किया, हम बार बार जाने के ऊपर भी मना किया नहीं है लेकिन मिला भी नहीं है। इससे हम बड़ी तकलीफ होती है हमारे को कि विधायक जी ने, MP साहब ने और बाहर के जो विधायक और भी आए थे मिलने के लिए, तो सभी ने ये वादा किया था। और उस समय तत्कालीन SDM साहब अर्पिता सोनी ने भी कहा था, और संदेश नायक जो हमारे कलेक्टर थे उसमें उन्होंने भी कहा था कि हम आपको ग्राउंड दिला करके रहेंगे, लेकिन वो तो चले गए, बदली हो गई, लेकिन पीछे वाले अभी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ तैयारी करवाता हूँ, ये कब्रिस्तान की जगह है, इसमें बच्चे पेशाब टॉयलेट नहीं कर सकते, दीवार लांग करके बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं इन बच्चों को सुबह शाम तैयारी कराता हूं। अगर हमारे गांव में बच्चों के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागृति है, लेकिन प्रशासन अगर हमारे को एक ट्रैक दे दे उस 400 मीटर की, तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से बताया काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, धर्मेंद्र जी आपने अपना इकलौता बेटा खोया और आज हर उस नौजवान में आप अपना बेटा ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि वो भी फौजी बने और मेरे बेटे की तरह जो अपने देश के लिए कार्य करें या देश सेवा में जाएं। आपको हर बच्चा नौजवान जो है अपना बेटा नजर आता है, और किस प्रकार से आपने ये हौसला पुनः जागृत किया और आपने इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया? मैंने शुरू में तो सोचा कि एक बेटा था वो देश की सेवा करते करते चला गया, तो हमारा हौसला डाउन हो गया कि अभी तो इस देश के लिए हमने क्या करना है। जो हमारा घर का चिराग था वो बुझ गया, लेकिन धीरे धीरे बैठ करके सोचा कि ऐसे तो ये देश की संस्कृति चलेगी नहीं, मैं दोबारा से अपना हौसला वापस वैसे ही करूं। मैं बच्ची को लेकर के फिर ग्राउंड पर आया, धीरे धीरे बच्चे मेरे को प्रेरित करते रहे और बच्चे भी साथ में जुड़ गए और दोबारा से हम तैयारी में लग गए, जिससे मेरे को ये महसूस हुआ कि सभी बेटे
अपने ही बेटे हैं और ये तैयारी करेंगे तो हम इनके साथ जीवन यापन कर लेंगे और इनको देखते हुए सब इनको सबको मैं कमल समझता हूँ और ये मेरे साथ अच्छे मिलकर के तैयारी करते हैं जिससे मुझे भी संतुष्टि होती है। और शाम को फिर हम आगे क्या उम्मीदें लेकर आप इस प्रकार की ट्रेनिंग करवा रहे हो? आपको क्या लगता है भी जिस प्रकार से नौजवानों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अगर ये सफल होते हैं तो सबसे बड़ी मेहनत जो है आपकी कामयाब होती है, लेकिन उसी के साथ साथ अब आपको प्रमुख क्या ऐसी चीज़ों की जो कमी खलती है जिसकी वजह से जो आप अपनी इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे या फिर जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे? मोटी मोटी अगर बात करें, जैसे आपने ट्रैक की बात कही, ग्राउंड की बात कही, ट्रैक और ग्राउंड की बातें हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी वादे थे जैसे स्मारक बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, उसके साथ साथ जो स्कूल का नामकरण भी चेंज करने की बातें हुई थी, तो इसको लेकर एक साल के दौरान कोई लेटरबाजी या फिर ऐसा कुछ आपको कोई पत्र प्राप्त हुआ हो सरकार की तरफ से या फिर आपको कभी बुलाया गया हो? ऐसे ग्राउंड के लिए और स्कूल के लिए मेरे को कभी नहीं बुलाया, लेकिन मैं गया बार बार तो मेरे को आश्वासन दिया, मैं अपने मंत्रियों से मिला, विधायक साहब से मिला, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन नहीं तो ट्रैक बना है, नहीं स्मारक बना है, नहीं इससे मुझे कोई ऐसी मदद मिली कि जिससे आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो कि हम आप तुम्हारी मदद करें जिससे ये ग्राउंड और ट्रैक जल्दी मिल जाए। लेकिन प्रशासन थोड़ा सा ढिलाई बरत रहा है, गांव मेरे साथ है, गांव का हर नागरिक मेरे साथ है, पूरे नागरिक गांव की मदद करने के लिए तैयार है। मैं जब बोलता हूं तभी सभी तैयार हो जाते हैं कि चलो भाई अपने गांव को एक ट्रैक मिले। क्या क्या संदेश देना चाहते हो वो नौजवान जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो नौजवान जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या वो नौजवान जो अभी तक आपसे नहीं जुड़ पाए हैं किसी तरीके से, चाहे उनके पास सूचना नहीं पहुंची हो, उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन नौजवानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मैं एक अच्छी तरीके से निष्पक्ष तैयारी कराऊं और उस मेरी तैयारी को देख करके उसमें चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, चाहे वो आर्मी के हो या पुलिस के हो, वो अच्छी तैयारी करें। उस तैयारी से मेरा ये संदेश जाए कि वहाँ पर एक इंसान है जो आर्मी से रिटायर हुआ है और वो अच्छी तैयारी कराता है, कोई पैसा नहीं लगता, जिससे वो अपने आप मेरे साथ आकर के जुड़े। ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भिंदवाल जी जो शहीद कमल कुमार के पिताजी हैं और ये आज एक हौसला लेकर बैठे हैं कि उन्होंने अपने कमल को तो खो दिया लेकिन वो तमाम नौजवानों में कमल को ढूंढ रहे हैं ताकि हमारा कमल आज भी देश सेवा में जिंदा रहे। और वो कहीं ना कहीं जद्दोजहद भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि शहीद की शहादत के बाद जो वादे किए गए थे कम से कम वो वादे सरकार पूरे करें।